हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सब स्टेशन में डीसी सप्लाई या बैटरी बैंक का यूज क्यों किया जाता है। आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आज के स्टूडियो में हम काफी सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं सब स्टेशन में डीसी सप्लाई को क्यों यूज किया जाता है, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास कोई सब स्टेशन है। सब स्टेशन में क्या होता है, हमारे पास आगे से पावर आती है और इस पावर को हम क्या करते हैं, फीडर के द्वारा हमें जहां भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहां पे हम फीडर के थ्रू पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो सब स्टेशन होता है वहां पे कई कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, कई सेफ्टी कंपोनेंट, कई ट्रिपिंग कंपोनेंट। जैसे कि क्या होता है, VCB जैसे कि सर्किट ब्रेकर कनेक्ट होते हैं, इसके अलावा अर्थ फॉल्ट रिले या कह सकते हैं रिले कनेक्ट होते, कई तरह के रिले कनेक्ट होते हैं, ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले। इसके अलावा देखा जाए तो अलार्म सर्किट कनेक्ट होते हैं ताकि हमें अलार्म होने पे पता चल सके। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिकेटिंग लैंप कनेक्ट होते हैं और भी कई जो सेफ्टी कंपोनेंट है जो कि हमारे सब स्टेशन में कनेक्ट किए जाते हैं। अब क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई इस फीडर में कोई फॉल्ट आया, ठीक है, इस फीडर में कोई फॉल्ट आया और इस फॉल्ट के कारण हमारी क्या हो गई, जो पावर है वह ऑफ हो गई, या किसी भी रीजन के कारण, चाहे वो आगे से पावर ऑफ हो गई या कोई फॉल्ट के कारण पावर ऑफ हो गई और हमारे सब स्टेशन की जो पावर है वह ऑफ हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे सब स्टेशन की पावर तो ऑफ हो गई, अब हमारे सब स्टेशन में कोई भी पावर नहीं आ रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जितने भी सर्किट कंपोनेंट, दैट मींस देखा जाए तो जितने भी रिले सर्किट ब्रेकर, यदि हमें इसे मैन्युअली ऑपरेट करना है, यानी जब हमें स्टार्ट करना है पावर आए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें हमारे पास सब स्टेशन में सप्लाई का होना जरूरी होता है। इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं वहां पे बैटरी बैंक लगाकर, ताकि क्या हो, हमारे जब भी कोई सप्लाई ऑफ हो जाए कोई फॉल्ट आने पर, या आगे से भी पावर यदि ऑफ होती है, तो उस कंडीशन में यदि हमें सब स्टेशन को मैन्युअली रन करके देखना है या कोई मेंटेनेंस करना है, मैन्युअली उसे किसी भी चीज को, वीसीबी को या रिले को किसी को मैन्युअली ऑपरेट करना है, तो उस कंडीशन में हम डीसी सप्लाई जो होती है वहां से मैन्युअली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यदि हम वहां पे डीसी सप्लाई को कनेक्ट नहीं करते तो सब स्टेशन में पावर ऑफ होने पे हम किसी भी कंपोनेंट को मैन्युअली ऑपरेट नहीं कर सकते और पावर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम वहां पे डीसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं ताकि हर एक कंपोनेंट को कनेक्ट किया जा सके। बेसिकली क्या होता है, यदि फॉल्ट आने की कंडीशन में क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं ओवर करंट हुआ या अर्थ फॉल्ट कोई प्रोटेक्ट हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो अर्थ फॉल्ट रिले होता है वो क्या कहता है, वीसीबी को कमांड देता है, जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं उसे कमांड देता है और उसे ट्रिप करा देता है, जिससे हमारा सब स्टेशन जो होता है सेफ हो जाता है। अब जब हमें स्टार्ट करना होता है या कोई मेंटेनेंस करना होता है तो वहां पे डीसी सप्लाई हम बैटरी बैंक से कनेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली यदि हम मोटा मोटा समझे तो क्या होता है, हमारे सब स्टेशन में जो पावर आती है सबसे पहले एमई में आती है, वहां से वीसीबी में जाती है, वहां से सर्किट जो हमारे सीटी होते हैं फिर पीटी में जाती है, पीटी से ट्रांसफॉर्मर, यहाँ से हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है, यहाँ से एमसीबी आरसीसी में जो भी कनेक्ट करना होती है और फिर हमारे जो पावर होती है लोड में चली जाती है। अब कोई फॉल्ट आ गया तो वीसीबी से ही हमारा पावर ऑफ हो गया, तो यहीं से पावर ऑफ हो गया है और सब स्टेशन में आगे हमें कोई भी पावर नहीं जा रही है। तो इन सभी प्रोटेक्टिव कंपोनेंट को मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए, इसके अलावा कई तरह के रिले भी होते हैं और भी कई सेफ्टी कंपोनेंट होते हैं, उन्हें मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए भी हमें डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। इसके अलावा सपोज हमें इस फीडर में काम करना है, ठीक है, इस फीडर किसी भी हमारे यहाँ से पावर कट है, अब हमें इस फीडर का मेंटेनेंस करना है या इसके में काम करना है, तो उस कंडीशन में क्या हो, यहाँ से पावर ऑफ है, अब हम इसे मैन्युअली ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसे मेंटेनेंस करेंगे तो हमें यहाँ से इसका पावर का कट होना, इसे मैन्युअली ऑफ करना जरूरी होता है इस फीडर को। तो यदि हमारे पास डीसी सप्लाई होगी तो हम इस फीडर को मैन्युअली यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब यदि पावर आगे से आती भी है तो इस फीडर में पावर नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसे मैन्युअली ऑफ करके रखा है। और यही हम करते हैं जब भी हम मेंटेनेंस करते हैं, तो आगे से पावर हो या ना हो, हमारे जो मेन फीडर होता है मेन फीडर को हम ऑफ कर देते हैं ताकि आगे से पावर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो आई होप आपको समझ में आया हो सब स्टेशन में डीसी सप्लाई का यूज क्यों किया जाता है। इसके अलावा यदि हम समझे तो कितने वोल्ट डीसी होने हैं और कितनी बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, कितने पावर की होती है, ये हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो सब स्टेशन में जो डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें 220 वोल्ट डीसी की भी रिक्वायरमेंट होती है, 110 वोल्ट डीसी की भी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे हमें 48 वोल्ट डीसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होता है, जो सब स्टेशन में हम जो बैटरी कनेक्ट करते हैं उसका जो एक सेल होता है वो 2 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करता है। अब यदि हमें 220 वोल्ट की जरूरत है तो वहां पे हमें 110 बैटरी की जरूरत होगी।
तो इतनी सारी बैटरी को कनेक्ट करने के लिए हमें वहां पे क्या करते हैं, एक बैटरी बैंक का एक अलग से रूम ही बना लेते हैं जिसमें सिर्फ बैटरी ही कनेक्ट की रखी जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो बैटरी की पावर कितनी होती है, तो बैटरी की पावर काफी ज्यादा होती है। इन बैटरी की पावर काफी ज्यादा, तो नॉर्मली देखा जाए तो 500 mAh टोटल इसकी पावर को रखा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो सब स्टेशन में डीसी सप्लाई को क्यों यूज किया जाता है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि आप इसके बारे में और भी डिटेल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।